पिछले कुछ महीनों में आपने ऐसे थंबनेल्स काफी वीडियोस पे देखा होगा यूट्यूब पे, और आपने अगर नोटिस किया हो तो ऐसे थंबनेल वाली वीडियोस पे व्यूज भी ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि ये थंबनेल्स काफी नीट एंड क्लीन दिखाई देते हैं और इनमें कलर्स ऐसे यूज होते हैं कि जिन पे ध्यान आकर्षित होता है। मतलब अगर आप स्क्रॉल भी कर रहे हो यूट्यूब पे तो ये थंबनेल्स पे आपका ध्यान जाएगा ही जाएगा, और आपकी इच्छा भी होगी कि फिर वो वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो को देखो। तो ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे थंबनेल्स आप भी कैसे बना सकते हो अपने वीडियोज के लिए, और एकदम आसानी से। बहुत आसान है ऐसे थंबनेल बनाना, और कोई भी खतरनाक सॉफ्टवेयर या फिर पेड सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये चीज बनाना कैनवा पे सिखाऊंगा, canva.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे पहुंच जाओ, वहां पे क्लिक करके ऐसा कैनवा की वेबसाइट दिखती है। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया कैनवा की वेबसाइट पे। अब ये वेबसाइट पे आने के बाद में आपको यहाँ पे कस्टम साइज पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे विड्थ दे देना है 1920 और हाइट दे देना है यहाँ पे 1080, और यहाँ पे क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक कर देना है। अब ये चीज आप लोग मोबाइल फोन पे भी कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल फोन में भी कैनवा ऐप जो है वो अवेलेबल है। आप लोग प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से कैनवा का ऐप डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल फोन, आप एंड्रॉइड या फिर आईफोन जो भी यूज करते हो उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रिएट कैनवास कर लिया है, क्रिएट डिजाइन 1920x1080 का। अब हमको सबसे पहले वो ग्राफ समझ लो ऐड करना है यहाँ पे नीचे। अब समझ लो आपने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे आपने बताया है कि पहले मेरा थंबनेल अच्छा नहीं था तो मेरे वीडियो पे कम व्यूज आ रहे थे, फिर मैंने एक अच्छा थंबनेल बना के अपलोड किया तो उस वीडियो पे व्यूज ज्यादा आने लग गए, कुछ ये टाइप का समझ लो आपने वीडियो बनाया, और उसके लिए आपको थंबनेल बनाना है। तो सबसे पहला काम आपने नोटिस किया होगा ग्राफ वगैरह जो है वो ऐड करने होते हैं, मतलब ऐड करते हैं लोग। तो ग्राफ कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे कैनवा में आप लोग यहाँ पे सिंपली एलिमेंट्स पे क्लिक कर लो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे चार्ट्स का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जैसे भी ग्राफ जैसे भी चार्ट्स वगैरह ऐड करना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। बार चार्ट ऐड कर सकते हो, लाइन एंड डॉट चार्ट्स और पाई चार्ट। अब समझ लो यहाँ पे ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये ग्राफ मुझे ऐड करना है, तो ये मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये ग्राफ जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे ये हमको नहीं चाहिए, इसको हमको रिमूव करना है, तो इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको सिलेक्ट करके आप लोग लेफ्ट में देखोगे तो कुछ सेटिंग्स आ जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे शो लेबल्स को भी ऑफ कर दूंगा मैं, और शो ग्रिड लाइंस, ये जो ग्रिड लाइंस दिख रही है इसको आपको रखना है रख सकते हो, हटाना है हटा सकते हो, तो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ ये ग्रिड लाइंस को। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेटा वाले ऑप्शन पे आओगे आप लोग तो यहाँ पे आपको इस ग्राफ को आप अपने हिसाब से यहाँ पे डेटा को एंटर करके नंबर्स को एंटर करके इस ग्राफ को अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही लाइन चाहिए, यहाँ पे मुझे ये अलग अलग कलर का दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे इन ग्राफ के कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे इन कलर्स को चेंज करके, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे समझ लो मुझे एक ही ग्राफ चाहिए, दो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं ये सीरीज टू वाला जो भी यहाँ पे नंबर्स है इनको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, सीरीज थ्री वाले नंबर्स भी हैं यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा राइट करके दिखाऊं आपको तो इनको भी मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि हमको यहाँ पे एक ही ग्राफ चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे सामने बस एक ही ये जो ग्राफ है ये दिखाई दे रहा है, तो इसको हम थोड़ा एडजस्ट करके यहाँ पे खींच तान के अपने फुल साइज में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने फुल साइज में कर दिया है। उसके बाद में अब इस ग्राफ को आपको अपने हिसाब से ऊपर नीचे चढ़ाव उतार दिखाना है, तो आप यहाँ पे बस नंबर्स को चेंज करो। जैसे यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे जीरो रहने देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ समझ लो 10, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 12, यहाँ पे 12, और यहाँ पे फिर से मैं कर देता हूँ 10, अब ये जो भी ग्राफ है इसको आप खींच तान के अपनी स्क्रीन के हिसाब से कर सकते हो। कूल, अब यहाँ पे हमने इसको ऐसे कर दिया है, और ऊपर से भी इसको थोड़ा ऊपर करना है तो आप इसको खींच तान के ऐसे ऊपर कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये ऐसा ग्राफ हमारा बन चुका है। ग्राफ का कलर चेंज करना है, बस ग्राफ पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे कलर पे आओ, ग्राफ समझ लो ये हमको ग्रीन कलर करना है, तो यहाँ पे हम लोग कलर वाले ऑप्शन पे ऐसे सिलेक्ट करेंगे, और जो भी कलर करना है यहाँ पे वो कलर यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग ये वाला ग्रीन करना है जो आंख में चमक के दिखता है। अब अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको सिंपली इस ग्राफ को थोड़ा नीचे करेंगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे हम लोग, बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे, जो भी कलर देना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे समझ लो मुझे कस्टम कलर देना है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, और जो भी समझ लो थोड़ा सा ब्लैक कलर का कलर, कुछ इस टाइप से ऐसा ग्रे कलर का, ब्लैकिश टाइप का, बस ये कलर समझ लो मुझे देना है, ये कलर मैंने दे दिया। ओके, ग्राफ को फिर से हम लोग ऊपर कर देते हैं बस ऐसे ड्रैग करके। ठीक है, हमारा ग्राफ भी हो चुका है और हमारा बैकग्राउंड भी एकदम जबरदस्त था, एकदम सज धज चुका है। अब बारी आती है टेक्स्ट ऐड करने की। टेक्स्ट ऐड करने के लिए लेफ्ट में यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करो आप लोग, ऐड हेडिंग वाला ये जो टेक्स्ट है इसको पकड़ लो, यहाँ पे ऐड कर दो। जब समझ लो यहाँ पे हमको ऐड करना है आई चेंज्ड, यहाँ पे मैं कैपिटल में लिखूंगा CHANGED, आई चेंज्ड।
आई चेंज लिखा, यहाँ पे मैं इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे हमारा आप लोग ये क्या कहते हैं उसको फॉन्ट्स जो है वो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग फॉन्ट्स को यूज करेंगे, यहाँ पे आप लोग को कोई बोल्ड सा और सिंपल सा फॉन्ट यूज करना है तो वो आप यहाँ पे देख लो कौन सा फॉन्ट आपको सूटेबल लग रहा है। तो यहाँ पे मैं ये लीक स्पार्टन अच्छा दिखाई दे रहा है फॉन्ट, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये फॉन्ट हमारा आ चुका है, अब आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट कर लूंगा, डुप्लीकेट पे क्लिक करके, और यहाँ पे हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे मैं अब लिखूंगा thumbnail, I changed thumbnail, और यहाँ पे एक बार और डुप्लीकेट करूंगा मैं इसको कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हियर। ठीक है, इसको भी कैपिटल में लिख देता हूँ हियर। ठीक है, अब बस इसको सिंपली हम लोग एडजस्ट कर लेंगे इधर उधर करके थोड़ा सा, और इसको रिसाइज भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आई चेंज को मैं छोटा रहने दूंगा, थंबनेल को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा, कुछ इतना बहुत भी बड़ा मत करो कि वो बहुत ही भद्दा दिखाई दे, और हियर को थोड़ा सा छोटा कर लूंगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग शिफ्ट की को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में और प्रेस करके रखेंगे, और सारे टेक्स्ट को जो भी हमने ऐड किया उनको सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में हम लोग इसको चाहे तो ऐसे टिल्ट वगैरह रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं तो कुछ इस प्रकार से। अब अगर आपको टेक्स्ट के कलर्स को चेंज करना है तो जो भी टेक्स्ट के कलर को आपको चेंज करना है उसको सिलेक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पे आओ और यहाँ पे जो भी कलर आपको देना है, यहाँ पे मैं रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो टेक्स्ट है वो रेड कलर का हो चुका है। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट रेड कलर का, तो ये अब थोड़ा सा अच्छा दिखाई देने लग गया है। उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे एरो वगैरह देना है तो आप वो भी दे सकते हो, बस यहाँ पे एलिमेंट्स पे आओ, यहाँ पे सर्च कर लो ARROW और एंटर कर दो, और यहाँ पे आपको नीचे एरोज वगैरह दिखाना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग ग्राफिक्स में सी ऑल कर सकते हो, यहाँ पे और भी कई प्रकार के एरोज आपको दिखाई देंगे, इनमें से जो भी एरो आपको पसंद आता है वो सिलेक्ट कर लो कुछ इस प्रकार से, और इसको भी आप लोग यहाँ पे रोटेट कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। और कलर चेंज करना है एरो का तो वो भी आप यहाँ से एडिट पे आ सकते हो, और यहाँ पे आपको जो भी कलर का एरो करना है वो कलर का आप एरो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर का कर दिया है। उसके बाद में अगर चाहो आप, आपको अगर ये एरो वगैरह फ्लिप करना है तो यहाँ पे ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो फ्लिप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करो, फ्लिप वर्टिकल, यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से फ्लिप कर दिया एरो को। उसके बाद आप एरो को जैसे भी आपको एडजस्ट करना है वैसे आप एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एरो इतना बड़ा करके यहाँ पे रहने देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा थंबनेल खाली खाली से दिखाई दे रहा है एरिया, तो इसको थोड़ा सा और भरने के लिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक इमोजी ऐड कर देंगे। इमोजी ऐड करने के लिए यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे emoji कुछ इस प्रकार से, और एंटर कर देंगे, और यहाँ पे इमोजीज आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग सी ऑल करेंगे, सारी भिन्न भिन्न प्रकार की इमोजीज दिखाई देंगे। अब क्योंकि हम लोग फ्री वर्जन पे तो हम लोग फ्री वाली इमोजी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली इमोजी अच्छी लग रही है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा कुछ इस प्रकार से, और ये इमोजी आ जाएगी। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे अपने हिसाब से स्वाद अनुसार, और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको भी फिर इसका अगर ट्रीट देना तो दे सकते हो, नहीं देना है नहीं दे सकते हो, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको और छोटा करना चाहिए हमको ना, और यहाँ पे, और ये जो टेक्स्ट हमने ऐड किया इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे बड़ा कर लेंगे। बहुत बढ़िया, तो कुछ इस प्रकार से अब हमारा थंबनेल जो है वो दिखाई दे रहा है। और हाँ, एक चीज तो बताना भूल ही गया कि इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, नहीं तो अभी कुछ लोग कमेंट करके बोलेंगे भाई डाउनलोड तो हो ही नहीं रहा, डाउनलोड करके क्यों नहीं दिखाया। तो जैसे आपने थंबनेल बना लिया, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करो डाउनलोड एज अ PNG, डाउनलोड पे क्लिक कर दो, और आपका जो थंबनेल जो आपने बनाया है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे ओपन फाइल पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा थंबनेल जो है बन के रेडी हो चुका है, यहाँ पे डाउनलोड भी हो चुका है। तो बस यार इतना आसान है ये टाइप का थंबनेल बनाना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को चेक करो, आपके काम की और भी वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो चलो ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।